गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट पे। सो आज है अपडेट डे नंबर 99 और आज जो है 25 नवंबर 2018 है और 25 नवंबर यानी कि आज मेरा बर्थडे भी है। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि थोड़ा इधर उधर जाना पड़ गया था, ट्रीट वगैरह दोस्तों लोग परेशान करके रख दिया था कि भाई ट्रीट दिए थे वो थे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बट मैंने जैसे कि बताया था कि हर रोज पूरी कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो लाने की, तो इसलिए फिर मैं अभी थोड़ा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर बाहर जाना है मेरे को, तो इसलिए अभी टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, थोड़ा सा ही वीडियो बनाऊँगा, एक मिनट का या दो मिनट का। तो मैं अपना क्लोज व्यू दे दूँ जैसे कि हर रोज़ देता हूँ, सो देख लो। अभी आपको डेंसिटी उतनी नहीं दिखेगी जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ा टाइम लगेगा आने में डेंसिटी, जैसा भी है रिजल्ट तो आ रहा है भाई। तो रिजल्ट आ जाएगा और कुछ एक महीना डेढ़ महीना या दो महीना रुक जाओ बस, फिर आपको दिख जाएगा रिजल्ट। सो अगर रिजल्ट देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब करो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बर्थडे विश कर देना मेरे को सब कमेंट में। आप नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, वैसे करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो बर्थडे विश कर देना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ कल, कल के अपडेट में बताऊंगा। हाँ, एक चीज और, मैं जो बोल रहा था मिनोक्सिडिल, तो मिनोक्सिडिल का जो साइड इफेक्ट का जो मेरा असर हुआ था, साइड इफेक्ट हो रहे थे मेरे गालों में फोरहेड में, तो आज बिल्कुल ही खत्म हो गया है। सो मैं कल जो है अपने डॉक्टर को फोटोज भेजूंगा और फिर डॉक्टर जो बोलेगा कि कब लगाना है, मुझसे स्टार्ट करना है मिनोक्सिडिल, तो उसके बाद से फिर लेने स्टार्ट कर दूंगा। सो मैं आपको बता दूंगा। और कल या फिर परसों में उस शैम्पू का, जो शैम्पू मैं यूज कर रहा हूँ सेलिशिया केटी शैम्पू, उसका भी रिव्यू बता दूंगा कि एक्चुअल में मेरा जो है डैंड्रफ है या नहीं है। तो कल की वीडियो या फिर कल या परसों की वीडियो भी मजेदार आने वाली है। सो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। चलो आज के लिए बाय।